क्या है भाई, ये लेबर ही है, यहाँ पर लेबर ही है। तो सीधा पकड़ के इंडिया फ्लाइट, घर पे फोन लगाता हूँ, टिकट वगैरह मारते हैं और निकलते हैं चुपचाप इंडिया। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई सर्दी का ऐलान कर दिया कनाडा सरकार ने, ठीक है, सर्दी थोड़ी थोड़ी होगी, मजाक नहीं कर रहा। तो विंटर्स के कपड़े निकाल लिया, हुडी वगैरह निकाल ली थी, वही पहन के घूम रहा हूँ। और मैंने याद आया, मैंने कहा वीडियो बनानी मेन है, वीडियो पहले ये वाली डालूंगा मैं जाके। तो आपको पता ही, जैसे को टाइटल वगैरह देख लिया होगा आपने, क्या होने वाली इस वीडियो में बात। अब नई बात है कि मैं अपना फर्स्ट मंथ का आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरे को कनाडा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और बाकी जो भी होगा मैं सारा वीडियो में बताता हूँ। आज डेट है 31 अगस्त और मैं लैंड हुआ था भाई कनाडा में 23 जुलाई को। हाँ, तो एक महीना 7-8 दिन हो गए हैं। मेरे को अभी भी लग रहा है कि ठीक है, चलो कनाडा बढ़िया भाई। पहले अगर सिंपल शब्द में आपको जानना है ना कि कनाडा बढ़िया है कि नहीं है, कनाडा मेरे को बढ़िया लगा, मजाक से हट के भाई ठीक है। पहले दिन मेरे को गलबल भी ज़्यादा ही, सिर्फ पहले दिन, और सारी टॉपिक्स मैं बताऊंगा इसमें। होम सिकनेस के बारे में पहले मैंने बात कर दी और कनाडा बता दिया आपको बढ़िया है, कौन से वे में बढ़िया है, क्या क्या चीज़ें मेरे को बेकार लगी, कौन सी चीज़ मेरे को इसकी सबसे बढ़िया लगी, वो सारा बता रहा हूँ मैं वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना है और सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे जाके भूल जाते हो आप और मैं भी भूल जाता हूँ बताना आपको कि सब्सक्राइब करना है, तो अभी कभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो भाई अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम होम सिकनेस के बारे में। तो होम सिकनेस से चलें तो भाई मेरे को सिर्फ पहले दिन मेरे घर वालों की याद आई थी सबसे ज़्यादा। उस दिन मैं थोड़ा बहुत रोने भी लगा था, लेकिन चलो मैं अपने आप को संभाल गया, रोया नहीं, क्योंकि पहले दिन मेरे को ज़्यादातर याद पहले दिन आती आती थी, चलो डेली है, लेकिन अब मैं ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि उधर ध्यान ना जाए। बाकी याद तो भाई सभी को आती है, अपने पेरेंट्स की और उनको भी मेरी आती होगी, जो भी सीन है। बाकी इस बात को यहीं पर हम एंड करते हैं कि होम सिकनेस में कोई एक दिन लगी सिर्फ ज़्यादातर, और बस यही सीन था। बाकी ज़्यादातर मैं घूमता फिरता रहा, आपको पता ही है मैंने सारा घुमाया आपको कनाडा जितना हो सका था मेरे से, मतलब टोरंटो वाला एरिया थोड़ा बहुत, तो सारा मैंने कवर कर ही दिया मेरे हिसाब से। बाकी भी नेक्स्ट वीक में भी बीच का प्लान बने, क्योंकि भाई ठंड हो गई, अब बीच वाला मौसम चला गया, फिर भी देख लेंगे जो भी सीन बनता है। और दूसरी बात, कनाडा में मेरे को क्या क्या अच्छा लगा, फिर उसके बाद आएंगे कि कनाडा में मेरे को क्या क्या बेकार लगा। तो भाई अब बात करते हैं कि कनाडा में मेरे को अच्छा क्या क्या लगा। सबसे पहले तो भाई बस सिस्टम ठीक है इनका, बढ़िया है। मेरे को दिक्कत कई बार आती है, कई बार नहीं आती, ज़्यादातर जैसा मेरे को जो समझ में आया ना अभी तक कि ब्रैम्पटन में 12 बजे के बाद सर्विस हो जाती है बहुत लो या बंदी हो जाती है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है बसेस का, ठीक है। इधर 12 बजे के बाद मेरे हिसाब से बसेस की कनेक्टिविटी बहुत लो हो जाती है या फिर बंदी हो जाती है। और स्कार्बो की बात करें, स्कार्बो मैं एक बड़ी रात को मूवी देखने गया था, 2 बजे की बात होगी, 2 बजे में आया था बस में बैठ के, तो उसकी मेरे को बढ़िया लगी भाई, उसका बढ़िया सीन है सारा। स्कार्बो गुड है भाई, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब टोरंटो वाले एरिया में सारा कुछ है, पूरी रात चलती रहती है, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। और खर्चा पानी वगैरह भाई मेरे को भी पता ही नहीं, आपको मैंने सभी को बताया हुआ है कि मैं अपने मामू के घर रह रहा हूँ, तो अभी तो उनके घर ही रह रहा हूँ। जब मैं जाऊँगा मे भी, जब आपको बता दूंगा मैं जब भी जाऊँगा यहाँ से, कॉलेज वगैरह एक बार शुरू होने दो भाई, फिर चलते हैं यहाँ से और देखेंगे। मिस्सा का मैं रहूँगा, थोड़ा नज़दीक पड़ जाए ना यहाँ से, फिर भी 1 घंटा है अपने को, 30-40 मिनट की ड्राइव नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई। बार बार एक ही चीज़ सुनना चाहते हो ना आप लोग, है ना, यही सुनना चाहते थे ना भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाते हैं हम यार, नहीं है अपने पास गाड़ी, नहीं है लाइसेंस, आ जाए एक बार G2 गाड़ी निकलवाएंगे फिर। तो अभी बस ये बात छोड़ो यार, फालतू बातें नहीं, अभी मेन पॉइंट ये फालतू बातें और थोड़ा हंसा मजाक हम ब्लॉग में करते हैं, वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। अभी मेन बात पे कर लेते हैं भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी गुड है, मेरे को बढ़िया लगी। और ब्रैम्पटन में तो भाई अपना पंजाबी माहौल है, सब कुछ खाने पीने का मिल जाता है, AC Z मिल जाता है, तो फूड वगैरह का भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी किसी को। और बाकी मैंने ग्रोसरी का ब्लॉग आने वाला मेरा, उसमें भी खर्चा बता दूंगा मेरे हिसाब से, मैंने जो सुना ना, और मेरे सारे हैं यहाँ रिश्तेदार यहाँ पर, एक बंदे की ग्रोसरी मेरे हिसाब से 150 की इनफ है 4 मंथ। बाकी चल रहा है बस, और क्या, वो और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी आपको करनी चाहिए पहले मंथ में, पहले वीक में ही कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, क्या क्या कर लेना चाहिए आपको पहले वीक में, पहले वीक में भाई आते ही पहले तो सिम लो, हो सके तो एयरपोर्ट पे ले लो। मैंने सुना है मेरे काफ़ी सारे दोस्त आए हैं एयरपोर्ट पे, उन्होंने ले लिया था सिम नंबर, ठीक है, सिम नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, उससे आप काम कर सकते हो लीगली। और बताऊँगा आगे काम का भी, बताऊँगा मैंने क्या सीन चल रहा है काम का, क्या नहीं चल रहा बताऊँगा जरूर, और शौक होने वाले आप लोग तो सब्सक्राइब कर लेना। लोग बोल रहे हैं ना काम नहीं है, कुछ नहीं है भाई, सब फेक है, बताएंगे टाइम आएगा सब कुछ बताऊंगा, फेक नहीं कह सकते, मतलब कई जगह पे काम है कई जगह पे नहीं है, ढूंढोगे तो मिलेगा भाई, ढूंढोगे ही नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। बाकी अभी काम वगैरह की बात मैं इसके अगली वीडियो में कर दूंगा पक्की बात है, ठीक है। अभी की बात कर लेते हैं भाई, कॉलेज खुलने वाला अपना, बस मौज के दिन चले गए अपने। और पहले पहले भाई सिम लेना अपने, फिर उसके बाद लेना है सिम नंबर जो कॉलिंग वाला होता है ना, वो वाला एक सिम हो गया, सिम हो गया प्रेस्टो, मैंने वीडियो बनाई हुई है सिम की, मैंने वीडियो बनाई हुई है। बाकी घूम लेना जो भी चीज़ है भाई, नायग्रा फॉल हुआ ना, मैं नहीं हो गया अभी तक, अब पता नहीं भाई मैं क्यों नहीं गया, पहले तो मेरा दिल था जाने का, फिर भाई बंदे नहीं फ्री थे मेरे वाले, फिर वो फ्री हुए तो मैंने कहा भाई रश बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी रुक जा देख लेंगे बना लेंगे सीन, क्योंकि भाई यहाँ पर ना बच्चों के सारे की छुट्टी हुई है, सारे बच्चों की छुट्टी हुई है, समर वेकेशन होती है इनको 1 या 2 महीनों की, मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, होती है लेकिन इतना पता है सब कुछ फुल पड़ा इनका,
और बाकी भाई रेंट वगैरह की बात करें तो रेंट वगैरह मेरे हिसाब से अभी चल रहा है 450-500 ऐसे ही कुछ, मतलब लोकेशन लोकेशन भी मैटर करता है और जगह भी मैटर करती है। बाकी 450 का मेरे हिसाब से शेयरिंग में मिल जाना चाहिए, मैंने जो देखे हैं इतने में मिल रहे हैं और ये नहीं कि मैं बार्गेन कर रहा हूँ, मिल इतने कर रहे हैं ये शोर डालने पीछे। चलो छोड़ो, हम आगे चल के थोड़ा ब्लॉक करते हैं। तो ठीक है भाई, 450 के आसपास आपको रूम मिल जाएगा, और अगर प्राइवेट में लेना है 500 तो नहीं मिलेगा, 500 भूल जाओ भाई, 600-700 ऐसा मिल जाएगा प्राइवेट में। आपकी मर्जी है आपने कौन सा लेना है भाई, अपना बजट है और अपनी प्रेफरेंस होती है। कईयों की, कईयों को प्राइवेट अच्छा लगता है, कईयों को शेयरिंग अच्छा लगता है, चाहे शेयरिंग ज़्यादा महंगा हो तो भी कईयों को शेयरिंग अच्छा लगता है। बाकी भी यही बात थी, और बाकी रूल्स वगैरह बताता हूँ इनको भाई, रूल बहुत खतरनाक है, रूल से ज़्यादा है भाई जीवन भी बना लो, और रूल तगड़े चल रहे हैं इनके भाई, रूलों पर आप पीछे नहीं छोड़ सकते। और बाकी गुड ऑप्शन है यहाँ आना कि नहीं आना भाई, टैक्सीस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यार, उसके बारे में बात करेंगे किस दिन। बाकी कैश कैश लेके घूमो भाई, और हाँ कैश से ज़्यादा है भाई, कैश 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 नहीं लेके आओगे तो आपकी पैसे थोड़े बच जाएंगे, $3-4 बच जाएंगे हर बारी, मतलब दिन में अगर आप 10 बारी कहीं जा रहे हो ना तो मे बी लाइक बच जाए, मेरे को मालूम नहीं है इतना। बाकी प्रेस्टो वगैरह मैंने बनाया हुआ सारा, मैंने प्रेस्टो के भाई वो वाला बनाना है जिस पर डिस्काउंट मिलता है, लाइक मी मैंने जो बनाया ना कार्ड उस पर मिलता है डिस्काउंट, तो वो वाला कार्ड बनाओ आप भी ताकि डिस्काउंट आपको भी मिले भाई। और बता देता हूँ भाई, GIC भाई अपना आप लोग स्कोशिया बैंक में खुला सकते हो, जो बड़े बैंक है भाई, बहुत ज़्यादा बैंक है, CIBC है और मेरे को बैंक का नाम नहीं, ये दोनों पॉपुलर चल रहे हैं इनका। मेरा पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरा था स्कोशिया बैंक में, बहुत बढ़िया मेरे को लगा भाई। और GIC उड़ाओ और क्या भाई, मत उड़ाओ यार, सच बता रहा हूँ, ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ आपको मैं, GIC सेवर रखो और किसी के मगर नहीं लगना भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा यही है कैनेडा का, किसी के मगर लगना नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं बैड, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी के मगर नहीं लगा, अगर मैं किसी के मगर लग जाता इसी बात में उसी बात में, मतलब कोई भी लाइक ये वाली बात वो वाली बात, तो मे बी मैं फंस सकता था या मे बी मैं अपना कोई नुकसान करवा सकता था। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ब्रदरली एडवाइस है मेरी, किसी के मगर नहीं लगना अपने कैनेडा में, अपना चलते जाना कोई, हाँ सुननी सबकी है, मैं हमेशा बोलता हूँ सुननी सबकी है, क्या पता कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे जाए, क्या पता आपसे इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहता हो, तो वो आपको देखना भाई, फेस रीड करना है आपको, ये चीज़ आनी चाहिए आपको कैनेडा में आके। बाकी यही चल रहा है अभी, और मैं क्या क्या बता सकता हूँ भाई, यही मेरा 1 महीना ही हुआ है, बाकी यही चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एक्सपीरियंस ऑल ओवर कहूँ तो 10 में से 7 है, लाइक पहले और दूसरे दिन तो मैंने भाई यही सोचा था कि मैं निकल जाता हूँ सीधा पकड़ के इंडिया फ्लाइट, घर पे फ़ोन लगाता हूँ, टिकट वगैरह मंगाते हैं और निकलते हैं चुपचाप इंडिया। इंडिया अपने अपनी ऐश थी, आपने देखी हुई है ब्लॉग्स। बाकी भाई शुरू में मेरे को ये भी लगा था क्या है भाई, ये लेबर ही है यहाँ पर, लेबर ही है, लेकिन फिर भी भाई धीरे धीरे आप जब आते रहोगे ना, दिन बढ़ते रहेंगे, आपको थोड़ी नॉलेज होगी कंट्री के बारे में भाई। देखो बंदे को समझने में टाइम लगता है, ये तो फिर कंट्री है, कंट्री बहुत मतलब बढ़िया भी कह सकते हैं कुछ मामलों में बेकार है। बाकी मेरे यार दाने बहुत ज़्यादा हो गए, पिंपल यहाँ पर भी और बाजू में भी छोटे छोटे दाने हो गए, मेरे को पता नहीं मेरे को क्या चीज़ रिएक्ट कर गई है, किसको पता हो कोई दवाई वगैरह यार तो मेरे को बताना यार, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को पता नहीं है दुबई जाने से हुए या क्यों हुए हैं। बाकी देखते हैं मेडिकल सिस्टम इनका कैसा नहीं, लेकिन भाई इतनी छोटी बात के लिए मैं जाऊँगा थोड़े डॉक्टर के पास, फिर भी देख लेंगे, मैं ये चाहता हूँ भाई परमानेंट रह जाए, फिर यार आपको पता है आपकी भाभी नहीं आएगी, फिर मैं ही घूमूंगा भाई व्लॉग्स में, मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा हंसा मजाक फिर भी जरूरी है, जाता नहीं हमारे में हंसा मजाक नहीं जाता, इसी हंसे मजाक की वजह से भाई मैं आज कैनेडा में चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी यार सोचा ही नहीं भाई काम धंधे के बारे में कुछ भी, मैंने इतनी टेंशन नहीं ली कभी भी। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि भाई शुरू में इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको, सब कुछ बढ़िया होगा। तो भाई पहले मंथ का तो मेरा एक्सपीरियंस था, पहले हफ्ते मेरे को लगा था बेकार, उसके बाद मेरे को थोड़ा बढ़िया लगा था, और अब ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, धीरे धीरे और बढ़िया लगे, जब कमाने लग पड़ेंगे एक बार कैश फ्लो शुरू हो जाएगा ना अपना, तो बढ़िया लगेगा भाई अपने को भी। और यही था वीडियो में भाई, छोटी सी वीडियो होगी, मेरे को पता नहीं मेरे को बनानी चाहिए थी, आपको हेल्प मिली कि नहीं, हेल्प तो क्या ही मिली होगी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बस आप लोगों के साथ कि मेरा ये एक्सपीरियंस चल रहा था कैनेडा, मेरे को ऐसा लगा वैसा लगा। आप लोग बताओ अगर आप कैनेडा आ रहे हो कब आ रहे हो, और अपना कॉलेज तो आपको पता ही है भाई, लैम्पटन कॉलेज कोई वहाँ का कॉलेज है तो बताओ मेरे को। और अंधेरा हो गया भाई, अपना वीडियो का बस अब एंड करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो हम बातें करते 15-20 मिनट, लेकिन बस अभी यार बातें कम थोड़ी, और काम धंधे पे फोकस करो, कोई कुछ बोले ना उसको भाई जवाब नहीं देना, आपने मुंह से जवाब नहीं देना, मुंह से नहीं जवाब देना, उस बंदे की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, आपने मुंह से उसको जवाब दिया तो। यहाँ पर करने में विश्वास करो भाई, आपको मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं बंदे को, रिप्लाई मुंह से नहीं करो, काम से करो, और बोलने दो जिसको बोलता है, हर बंदे को आप जवाब नहीं देना यहाँ पर, ठीक है। बाकी बढ़िया, यहाँ पर क्राइम वगैरह का सीन बताऊँ तो मे भी मैंने इतने ज़्यादा क्राइम्स नहीं देखे अभी तक, मे भी लाइक 1 महीना हुआ तो नहीं देखे, फिर भी जो भी सीन चल रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्राइम वगैरह मेरे को इतने लगे नहीं है। बाकी ब्रैम्पटन गुड एरिया है, ठीक है, कोई लोग इसको गलत कहते हैं कोई लोग बढ़िया कहते हैं, मेरे को बढ़िया लगा भाई, खाना पीना का सब कुछ मिलता है यहाँ पर, A-Z चीज़ें, और भाई स्कारबो में मिलता है, टोरंटो में मिलता है, खाने पीने की चीज़ें हैं सभी जगह। कल मेरा एक दोस्त भी आया था, वो आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको, वहाँ पर मैंने बताया उसका कि नहीं बताएंगे भाई, बस आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज थोड़ा अंधेरा जल्दी हो गया भाई,
फोकस, अंधेरा ज़्यादा हो गया। मैं वेट कर रहा था कि भाई ठंड लग रही थी मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा पहले वार्म अप हो रहा था, लेकिन चलो ठंड शुरू होगी भाई, अब जाता हूँ मैं अंदर ही। तो मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में, सी यू टुमारो। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना मेरे को। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड।